तो मैंने इसका पूछ पकड़ लिया इधर अच्छे से। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू व्लॉग गाइस। सो अभी हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, हम दिखाते हैं। यहाँ हम मिस्टर माखन मास्टर के भाई के साथ हैं। सो गाइस फॉलो करो। तो इधर हम लोग एक पीने का जो गड्ढा है पानी, इसको हम यहाँ ऐसे खोद रखे हैं पूरा अच्छे से, ठीक है, यूँ इस कदर। और यहाँ मैं अभी भैंस चरा रहा हूँ, तो भैंस उधर है मेरा, जो कि मेरा भैंस उधर है, देख रहे हो, जो ये देख रहे हो इधर है मेरा भैंस। भैंस को अभी बांध में ले जाएंगे और नहलाएंगे उनको, फिर अपन घर जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा कुछ फनी नहीं करेंगे, मतलब मज़ा नहीं करेंगे। अभी नहलाएंगे हम लोग, नहाएंगे मतलब ये भी नहाएगा, ये छोटा बच्चा भी नहाएगा, ये बहुत नहाता है, नहाता का छलांग लगाएगा, तरह तरह का चीज़ होगा। तो बने रहो मेरे वीडियो पर। और ये मैंने इधर कर दिया है, मतलब समाज सेवा कर रहा हूँ एक टाइप से इसको, मतलब ऐसे ये गंदा था पानी, ये मतलब इसमें अब गंदा पानी बाहर जाएगा, मतलब और पानी आते जाएगा, पझरते जाएगा, तो ये पानी जो है ये साफ़ हो जाएगा। फिर अगर गर्मी में कोई आते जाते कोई लोग होंगे इस रास्ता से इधर से, तो ये पानी पी सकते हैं, ताकि उन लोग का प्यास बुझ सके, ताकि उन लोग का भला हो सके, मरने से बच जाएगा इस, ठीक है। चल झूठा, मैं भी इन खेतों में हूँ, देख लो इधर का खेत का नज़ारा, ये सब है। और मेरे पास ये चश्मा है, जो कि ये सनी दीदी ने मियाँ दीदी का वो चीज़ है, चश्मा है, इसको मैं पहन लिया हूँ, मांगा हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मैंने वो दी मेरे को, फिर मैं पहना हूँ ऐसे ही मज़े के लिए, फिर बाद में मियाँ दीदी को लौटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज के लिए हम इसको लगा के रखेंगे, ठीक है। तो बने रहो मेरे ब्लॉग पे। सो गाइस, ये भी बताना कि मैं मियाँ दीदी का जो चश्मा ये पहन के रखा है, ये कैसा लग रहा है मेरे में, सूट तो कर रहा है, नहीं तो सूट नहीं करेगा तो लौटा दूंगा मियाँ दीदी को, ठीक है। तो बताना यार कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, नहीं तो सोच रहा हूँ मैं ही खुद रख लूँ इसको। ओह माय गॉड, वाओ, मियाँ दीदी को नहीं दूंगा। तो इधर मेरे ये भैंस लोग हैं, इधर चल रहे हैं, तो इनको ले जाते हैं बांध, फिर बांध में नहाएंगे, फिर बहुत मज़े करेंगे हल्का फुल्का, ठीक है। मैं अपना अपना चप्पल इधर पकड़ लिया हूँ, क्योंकि मैं इन खेतों में आ गया हूँ, जो कि भैंसा को मतलब खेत के बांध में ले जाऊंगा। तो ये सब में अपन घूमना जाहिर सी बात है, इन सब में हम ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है, इस तरह। तो जैसे कि इस भैंस को देखो, ये चढ़ नहीं पा रही, चल ए चल बे, अले भूतनी, शर्म नहीं आती इन लोगों को, कहाँ कहाँ जाते हैं चढ़ने के लिए, दिमाग को माख है कि नहीं। माखर माख तो उधर भी है, भैंसा को उधर खेदेगा भी, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो मियाँ दीदी का चश्मा पहन के इधर माहौल मारते हुए, और मेरे कुल 7 भैंसा हैं। अब इन भैंसों को, ये छोटे छोटे भैंसे हैं, और इधर बड़े बड़े भी हैं, और एक उधर है जो कि माखन मास्टर का भाई जो खेद रहा है। और चलते हैं हम अभी बांध में नहाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब इस बांध में नहाओ या मत नहाओ, एक ही बात है, क्योंकि इतना गंदा पानी है, मैं घर में वापस जाके नहाऊंगा, ठीक है। गाइस फॉलो करो यार अच्छे से, नहीं मेरा माइक और ट्राइपॉड घर में छूटा है, इसे आवाज़ क्लियर तो नहीं आ रही होगी, जो भी है बहुत मस्त है। चलो चलो चलो, और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो जी, हमें बताओगे? हेलो हेलो हेलो, कहाँ से हो आप लोग? सो इन लोग बताने से रहे, हम चलते हैं बांध। जैसे कि हम पहुँच चुके हैं मेरे बांध पे, जो कि इस कदर यूँ इतना बड़ा है, और इसमें बहुत ही मज़ा आता है, अब क्या ही बताएं। पानी में जाते हुए बैठो भाई, आराम से बैठो, आराम से नहाओ गाइस, ठीक है, ताकि इन भैंसों को भी अच्छा लगे, थोड़ा कूल लगे, या इसे तड़पती हुई घाम पे, मतलब धूप पे। सो गाइस अपन यही नहाएंगे, ठीक है, कपड़ा वपड़ा खोलते हैं, ये मियाँ दीदी का चश्मा भी यही रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। अब मेरे को शर्म सी आ रही है कपड़ा खोलने में, क्योंकि मेरे को शर्म आती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस नहाने में काफी मजा आ रहा है, आप भी आओ मेरे इस बांध पे, ताकि आपको भी अच्छा लगे नहाने में। हर साइड पानी ही पानी, यहाँ बहुत गड्ढा है, गड्ढा नहीं है इतना है। तो मेरे भैंस लोग के पास जाता हूँ, ठीक, आजा आजा, इन लोग डर रहे हैं मेरे से, मेरे को देख के। अरे कहाँ पर डर था जी, मैं हूँ।
आजा ले, आजा आजा। जैसे कि इन लोग देख रहे हो, इन लोग भी नहाते हैं यार। आप भी नहाया करो, इन लोग भी नहाते हैं। ये छोटी वाली तो नहाती है बहुत ज्यादा, ये बौराही एकदम सी नहाती है बौराही कभी। तो मैंने इसका पूछ पकड़ लिया इधर अच्छे से, इसके पूछ कटका। बड़ा हरामी हो बेटा। सो गाइस आप बताओ ऐसे तैरना जानते हो कि नहीं? कांटा है किसी कान में लग गया तो उसे ही जानेगा। राजा जी द्वारा ये लग गई। म्यूजिक